नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव, आप सबका लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, बेरोजगारों को विभिन्न मुद्दों के लेकर आज ये लाइव है, जिसमें लंबित भर्तियां, नहीं भर्तियां और जो पेपर लीक प्रकरण सहित जो मामले रीट में पद बढ़ाने सहित नई रीट भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कंप्यूटर भर्ती, तमाम भर्तियों को लेकर इस लाइव में चर्चा करूंगा। साथियों, रीट में पद बढ़ाने को लेकर बहुत चर्चित मुद्दा है। लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष पूरे प्रदेश में जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस संबंध में मैं शुरू से लेकर अभी तक क्या हुआ और क्या होने वाला है और मैं आप लोगों के लिए क्या कर पाऊंगा, इसमें मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। लेकिन इसकी चर्चा मैं अंतिम समय में करूंगा, क्योंकि ये इस पे लंबा लाइव हो जाएगा, क्योंकि पहले मैं और मुद्दों को लेकर चर्चा करूंगा, फिर रीट में पद बढ़ाने को लेकर विस्तार पूर्वक, क्योंकि हर व्यक्ति तक सच पूछना चाहिए क्या होने वाला है, अब तक क्या हुआ है और क्या हो सकता है। रीट में पद बढ़ाने को लेकर जो 50,000 पद की मांग जो कर रहे हैं, हर विद्यार्थी तक सच पूछाने के लिए पूरी विस्तार पूर्वक मैं इस लाइव में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले उन लोगों के लिए चर्चा करना चाहूंगा जो ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर ज्यादा उस पर मुझे बोलना नहीं है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत बड़ी बात आपके सामने रखनी है और सच सामने लेके आना है। इसलिए मैं इसको अंतिम जब लाइव एंड होगा उस समय मैं रीट में पद बढ़ाने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा प्रदेश के युवा बेरोजगार से करूंगा। हालांकि मुझे पता है साथियों, हर बात का जवाब मैं दूंगा, सांच को आंच नहीं है और हर चीज का सामना करने के लिए भी तैयार होऊंगा, क्योंकि सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। लेकिन रीट और एसआई के जो अभ्यर्थी मुझे लगातार दोष देते हैं कि आपने सीबीआई की मांग क्यों भूल गया, आपने साथ नहीं दिया, एक बार आप जरूर गौर करिए साथियों, यार मैं आपके लिए अनशन पे बैठा, 6 दिन तक मैं रहा, आईसीयू में चला गया, अनशन तोड़ने के बाद मैं आया धरना स्थल पर, एक भी रीट और एसआई का अभ्यर्थी नहीं था। जब मैंने उन लोगों के आंखों में आंसू देखे, उनकी मैंने जब उन लोगों का जो समर्पण देखा, वहां वो लंबी तो नहीं भर्ती वाले बैठे थे, लंबी तो नहीं भर्ती वाले बैठे थे, जब एसआई और रीट का एक भी अभ्यर्थी नहीं आया तो मुझे आंदोलन को बदलना पड़ा और आंदोलन से रीट और एसआई की सीबीआई की मांग को हटाना पड़ा, क्योंकि जिन लोगों के लिए आवाज उठा रहा हूं वो घर में रजाई में सो रहे हैं, जो लोग यहां लंबी तो नहीं भर्ती वाले, जो लोग पिछले कई सालों से दुखी और परेशान है, वो सीबीआई की मांग कर रहे थे, वो बैठे बैठे, वो भी मेरी इज्जत रखने के लिए। जब मुझे लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है तो उस मांग को बदलकर नई और लंबित भर्तियों के लिए संघर्ष करना पड़ा। मैं कह रहा हूँ, मेरा वीडियो नोट करना, ये रिकॉर्ड रखना, ये मेरे फेसबुक, यूट्यूब सब जगह रहेगा, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन युवा बोर्ड होना चाहिए जिससे मेरा बेरोजगार वहां बात रख सके, वो मुख्यमंत्री से मिल सके, अधिकारी से मिल सके, कह सके कि मेरी भर्ती नहीं हो पा रही, क्यों नहीं हो पा रही, क्यों विज्ञप्ति नहीं आ पा रही, क्यों परिणाम नहीं आ पा रहा, क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्या हुआ भजन लाल का, क्या हुआ बीकानेर से पकड़े गए उन अपराधियों का जिन्होंने पेपर लीक किया था एसआई का, कोई पूछ सके? आज पूछने के लिए कोई स्थान है क्या, कोई प्लेटफार्म है क्या? इसलिए मैं मांग कर रहा था, सारी मांगे वाजिब है, आपके हित में कर रहा हूं। बाहरी राज्य का कोटा खत्म होगा तो आपको फायदा होगा, युवा बेरोजगार बोर्ड आप लोगों के लिए रखा जाएगा तो आप अपनी बात रख पाओगे, गैर जमानती कानून आएगा तो भर्ती परीक्षाएं बचेगी। यार ये राजनीति है क्या? इतने अच्छे काम, अच्छी मांग आप लोगों के लिए कर रहा हूं, कई लोग रुपये नहीं आते राजनीति कर, अरे तुम में दम हो तो तुम कर लो, तुम लड़ लो, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन हम घर से निकलना नहीं चाहते, ओपिनियन दो कि टांग खींचना चाहते, लेकिन राजस्थान के लाखों बेरोजगार मेरे साथ है, ये तो आपने देख लिया होगा, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आवाज उठा रहा हूँ और लगातार उनके लिए संघर्ष करता रहा हूँ, लेकिन ये मांगे पूरी होती है तो दोस्तों मेरे प्रदेश के युवा बेरोजगार को सही समय पर न्याय मिल पाएगा और खुशी मिलेगी।